हमारी मेट्रो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी है, इतनी अच्छी मेट्रो कहीं नहीं जिसके कैपिटल का और भी कम है। अभी हम लोग नागपुर से उमरेड और उमरेड से ब्रह्मपुरी तक ब्रॉडगेज हमने लगभग बनाया। अभी मैं कार्यक्रम के आने के पहले उनके साथ ही मीटिंग कर रहा था और जल्दी हम लोग नागपुर से वर्षा ये जो ब्रॉडगेज गाड़ी फर्स्ट इसमें ट्रैक्टर शुरू करने वाले 6 महीने में, तो वो शुरू हो जाएगी तो माल भी जाएगा और वहां से जो उमरेड का पुल है वो एमएससीबी को कोराडी और खपरगड़ा को ट्रक के बजाय डायरेक्ट रैक से जाएगा, रेलवे से जाएगा, तो उसकी कॉस्ट बचेगी। तो ऐसी बहुत सी बातें है कि जो हमारे यहाँ के स्ट्रेंथ को लेकर जो हमने प्लान किया है उस रॉ मटेरियल वाइज आप फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करी है और उस हिसाब से अगर इंडस्ट्री को आपने प्लान बना के दिया तो वो सक्सेसफुल होगा। ऑटोमोबाइल का मैं मंत्री हूँ, अभी मैं जब मंत्री बना तो 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, अभी मैंने कल चार्ज लिया अभी 4-5 दिन पहले तो 15 लाख करोड़ की हुई और अभी हमारा नंबर था पहले 5वां, पहले 7वां था मैं जब मंत्री बना, फिर 5वां था, अभी 4 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हमारा नंबर वर्ल्ड में हुआ 3रा और अभी इंडस्ट्री का साइज 12 लाख करोड़, एम्प्लॉयमेंट दिया है 4.5 करोड़ लोगों को, देश में राज्य सरकार भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देते हैं और मुझे याद है कि मैं जब इलेक्ट्रिक की वकालत करता था ये सब मैन्युफैक्चरर मुझे बोलते थे कैसे होगा नहीं होगा। अब 5 दिन पहले राजीव बजाज मेरे पास आए, तो बोले आप हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया सक्सेस हुआ, अब मैं सीएनजी की मोटरसाइकिल लॉन्च करना आपके हाथ से, अब इतना पोटेंशियल है कि 50% ऑफ द टू व्हीलर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है बजाज टीवीएस सबका, तो नेचुरली वर्ल्ड में हम लोग मेरा विश्वास है कि अभी मैं मर्सिडीज मैंने लॉन्च की थी इलेक्ट्रिक की, तो जर्मन से जो चेयरमैन आए थे मुझे बता रहे थे इंटरनेशनल कि अभी इसके बाद हम इलेक्ट्रिक में मर्सिडीज निकालेंगे डीजल पर नहीं, अभी फ्लक्स इंजन पे आया, अभी जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वो मिथेनॉल पर और इलेक्ट्रिक पर करने के लिए मैंने उनको आग्रह किया है, मैंने खुद अपने आप प्रयोग किया प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल तैयार किया और वो अभी हार्वेस्टर जो होते हैं गन्ना काटने वाले उसमें 50% यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग शुरू हुआ सक्सेसफुल होगा। अभी तमिलनाडु से साइंटिस्ट ने हमारे प्लांट लगाए कार्बन डाइऑक्साइड की मिथेनॉल, अब ये जो नई नई टेक्नोलॉजी वो इतनी बड़ी है कि इससे परिस्थितियां बदल सकती है। अब इस क्षेत्र में 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, तो इथेनॉल मिथेनॉल बायोडीजल बायो एलएनजी बायो सीएनजी इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन इसमें ह्यूज पोटेंशियल है और हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनना चाहते हैं, तो बहुत ह्यूज पोटेंशियल होता है। अभी हमने अंबोरा बनाया है 5 नदियों के संगम में, पानी सुंदर है, बहुत अच्छा फॉरेस्ट एरिया आगे वहां उमरेड का आता है, अब वहां हमने एडवेंचर स्पोर्ट और वाटर स्पोर्ट शुरू कर रहे हैं, हावरक्राफ्ट चला रहे हैं और मुझे लगता है वहां कम से कम 3-4 हजार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अभी 250 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने भी दिया है, अभी कलेक्टर कल ही मेरे पास आए थे, तो हम जल्दी वहां डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमने जो पुल बनाया है उसके ऊपर हमने सबसे हाई पर एक रेस्टोरेंट बनाया और दोनों बाजू में कैप्सूल लगाई और ऊपर जाकर 5 नदियों का संगम और कुर्सी खुर्द दिखता है पूरा और वहां कॉफी शॉप डाला है, वहां एक लाइट एंड साउंड शो का भी हुआ है, 400 लोगों का थिएटर बनाया ऊपर और फिर वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स डिंबर। तो मैंने अभी महेंद्र मैं रिसोर्ट का जो कंपनी है उसके चेयरमैन दुर्गानी को वहां भेजा था और मैंने उनको कहा कि आप वहां आपका महेंद्र रिसोर्ट डालिए, अभी पोटेंशियल है। अभी आज नागपुर में टाटा के